नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। बताना प्रोग्राम से पहले हम मुनासिब समझते हैं, तरफ के भी कुछ कंसर्न है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो मार्शल से बातचीत की थी उसमें वो बात आई थी, तो अभी हमारी पूरी इस मौके पर जो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके एक जो तय कर लेंगे, हम लोग को 21 तारीख को जलसे के दिन सबको मिलके सक्सेसफुल बनाने के लिए सब हमारी खुशी बांटने से बढ़ती है। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जरूरी है कि जो लोग भी जलसे में हैं, जुलूस में हैं, वो पुलिस के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करें और उस सबको सक्सेसफुल बना के हम प्रोग्राम को। मैं इमरान पाशा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आए। मैं रफी पाशा से साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे नहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड कमिश्नर ऑफ पुलिस अली जनाब अंजनी कुमार साहब और उनके रफ़क़ा और क़ायद अहले सुन्नत मौलाना मुर्तज़ा पाशा साहब, मौलाना हाफिज़ मुजफ़्फ़र हुसैन साहब, मौलाना अली खादरी साहब और दीगर मशायख़ उज़ाम उलमा इकराम और पुलिस के दीगर ओहदेदारान अली जनाब अनिल कुमार साहब, बाबू राव साहब और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि ये मरकज़ी मिलाद जुलूस के लिए इंतज़ामात के सिलसिले में शहर हैदराबाद के कोतवाल बनफ्स नफीस खुद अपने तमाम ओहदेदारों के साथ हमारे बीच में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इस गर्ज से कि वो हमारे जुलूस के इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर अंदाज में तकमील कर सकें। तो ये मौके को देखते हुए कुछ मरकज़ी मिलाद जुलूस के बारे में मैं इन तमाम ऑफिसर्स के सामने अपने चंद बातें रखना चाहता हूँ कि ये जो मरकज़ी मिलाद जुलूस है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से एक अम्ब्रेला की तौर पर एक जगह जमा होकर ये जुलूस निकाला जाता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे फॉर्म द अम्ब्रेला इन ए टू डिफरेंट मैनर्स, वन इज़ द पार्टली यूनिटरी टाइप एंड पार्टली फेडरल टाइप। दो दे आर हैविंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, इंडिविजुअल देयर स्ट्रेंथ, बट वेन दे कम ऑल टूगेदर टू फॉर्म ए वन मरकजी जुलूस विच इज़ अ यूनिटरी टाइप ऑफ प्रोसेशन। इन द सिमिलर मैनर दिस जुलूस दिस प्रोसेशन कंसिस्ट ऑफ अनदर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। वन इज the organized groups, people who comes through the different societies and organizations or the personalities who gather them in an organized manner. Like you can see the bigger processions, they start from Dargah Sharif Khadri Chaman and Dargah Sharif Hazrat Yahya Pasha Sarkar Rahmatullah Alayh Misri Ganj and also from Dargah Hazrat Khaja Mehboob Allah and different places. So these are all type like organized groups which comes and gather into the Markazi Milad Julus. Lekin uske alawa unorganized participants bhi hain jo josh o ghuroosh josh mein 3-4 ki tadad mein 10 ki tadad mein motorcycles pe ya individually akele paidal aate hain, gaadiyon mein aate hain, julus mein sharik hone aate hain aur kuch aise hain jo julus ke sirf istiqbal ke liye thehre hue hain, different jagahon pe pandals bana kar rehte hain. To hamari ये कोशिश होनी चाहिए कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब जुलूस मरकजी मिलाद जुलूस जब मक्का मस्जिद से रवाना हो जाता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए बीच में से कहीं से कुछ अनऑर्गेनाइज ग्रुप्स भी शामिल होने की उनमें एक जोश जज्बा है, उनको हम वेलकम करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल्स अदर डायरेक्शन में अगर आएंगे तो वो ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और प्रोसेशन का स्मूथ मूवमेंट वो रुक जाता है।
तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि जो फ्लो है वो फ्लो को बरकरार रखा जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। और रही बात जहां पर मरकजी मिलाद जुलूस का जो बरसा बरस से ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी अंदाज में इश्क व मोहब्बत के माहौल में सरकार की मिलाद का जो जश्न मनाता है हैदराबादी मुसलमान और यहाँ तारीखी मक्का मस्जिद से जो रवाना होता है जुलूस, इसमें कई वजह से कई जनों ने अपनी अपनी तौर पर नक़ादी की तौर पर तनखीदी नज़र से किसी नज़र से देखा, लेकिन इन सालों साल में वो तमाम नाकिदीन नाकाम हो गए, लेकिन जुलूस में कोई नुक्स पैदा नहीं कर सके। किसी किस्म का कोई नाम रखने की कहीं जगह ही शुमार नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही हम मेयार को अपने बरकरार रखेंगे, वही इश्क मोहब्बत में निकलेंगे, वही नारे तकबीर के नारे लगाते हुए निकलेंगे, वही नारे रिसालत के नारे रहेंगे, वही दुरूद व सलाम जबानों पे विर्द रहेगा। और सरकार का ये जश्न का ये जुलूस इंशाअल्लाह ताला फिर से एक मरतबा ये तारीखी जुलूस फिर से एक नई तारीख बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। श्री अनिल कुमार साहब, अनिल कुमार साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, शेखा गोविल मैडम, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, अनिल कुमार साहब, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, चौहान साहब और शिवप्रसाद साहब, मुरली कृष्ण साहब, जनाब मुर्जा पाशा साहब, जनाब हाफिज मुजफ्फर साहब, एहसान कुरैशी साहब, समदानी साहब, नेमतुल्ला कादरी साहब, अली पाशा साहब और मेरा छोटे बड़े तंजीम का मेंबर्स का भाइयों को, मीडिया मित्र को सबको सलाम अलैकुम। सलाम करना भाई, जवाब देना भाई, सलाम। अपना पुराने शहर का रिवाज है वो, पुराने शहर में कुछ भी नहीं मिलता, मिले तो मिलता प्यार मोहब्बत मिलता। प्यार मोहब्बत का निशानी है, एड्रेस है पुराना शहर, उसको हम कायम रखना है। साथ साथ में आने वाला 12 रबीउल अव्वल का मुबारकबाद दे रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल जो है उस दिन एक इंसानियत पैदा हुआ, उस दिन प्यार मोहब्बत पैदा हुआ, उस दिन जो है सबर भी पैदा हुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम लेकर पैदा हुआ से दिन है, इसलिए आपको सारे आलम के लिए रहमत कहता है। आप इस दुनिया में आने के बाद आप जो आवाम को तालीमा दिया है वो ता कायमत तक रहने वाला है वो, मगर अमल करने में इंसान बहुत पीछे हट रहा है। अभी ने एक साहेब बोला मेरे को, जुलूस जो है इकट्ठा बनकर जाना है मगर टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, इत्तेफाक होना है अपना जुलूस में। जैसा जमात के साथ में नमाज पढ़े तो सुन्नत कहता है, वैसा ही जुलूस में इत्तेफाक से चलना है अपना। मेरा भाइयों, अलग 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 जुलूस निकाल कर निकालो, अपना बस्ती में घूम लो, मगर चारमार के नहीं, मक्का मस्जिद के ना आके एक ही इकट्ठा बनकर ऐसा जुलूस निकालना है, अमन शांति का पैगाम का जुलूस निकलना है। मगर अपना बच्चे जोश में बहुत सिच्छोर काम कर रहा है, बाइक रेसिंग कर रहा है, साइलेंसर निकाल दे रहा है,
मगर जहां तक मेरा ख्याल है वैसे नहीं करना। नारे देना है देव, मगर एक अमन शांति के साथ में अपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलना है। है जरूर पुलिस आपका साथ में, मगर अपना अखलाक भी एक बात होता है। अपना अखलाक से दूसरा मजहब का लोग का दिल भी जीतना है। अपना खुशी में वो लोग भी खुशी में शामिल होना है। यही है अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दिया है। आज सलार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मिलादुल नबी अल शरीफ के लिए जो सिटी पुलिस के तरफ से इंतजाम किए गए, और ख़ास करके पुराने शहर में जो सभी ऑफिसर्स हमारे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर जो प्लानिंग की है उसके बारे में गुफ्तगू की गई। मिलादुल नबी अल शरीफ एक ऐसा दिन है, एक ऐसा मौका है जो हैदराबाद के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो हैदराबाद शहर में जुलूस अलग अलग तंजीमों के तरफ से मिलकर इकट्ठे होकर मक्का मस्जिद से निकलती है और करीब 7-7.5 किलोमीटर का जुलूस 5-6 घंटे के बाद नबी के शान में अपने अपने खुशी की इजहार करते हुए सभी लोग, खास करके साउथ जोन और वेस्ट जोन में कई सालों से एक ट्रेडिशनल के तरह यह फेस्टिवल होता रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के हर वर्टिकल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, क्राइम विंग, सिटी सिक्योरिटी विंग, हर लोग मिलकर एक साथ शरीक होकर एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें पब्लिक को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। हर साल की तरह इस बार भी इंतजाम किए गए हैं जिसमें लगभग 1400 से 1500 ऑफिसर्स खास करके इसी चीज़ में लगे रहेंगे। ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस के तरफ से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ। ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा दिन है। इसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल की ट्रिपल राइडिंग करके या रैश तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, बहुत हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना, ऐसी गुस्ताखी करते हैं जिससे कुछ लोगों को एक्सीडेंट होता है और चोट भी लगती है। ऐसे मौके पे एक्सीडेंट होना, चोट लगना बहुत दुख की बात है, और हमारे हिसाब से ये हम लोग सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है, आप सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है। आप खास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डर जनरेशन के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है कि इसको बाइक रेसिंग का दिन ना बना दिया जाए। बाइक रेसिंग बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। पिछले साल भी कुछ लोगों को चोट लगी थी, छोटे छोटे बच्चों को चोट लगी थी, और ये बहुत तकलीफ की बात होती है। दूसरी चीज़, सुबह से लेकर शाम तक हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर आप लोगों के सर्विस में, आप लोगों के इंतजामात के लिए हर जगह मौजूद हैं। अगर कहीं कुछ गलत चीज़ आप लोगों ने देखा है तो फौरन उसको, जो भी लोकल पुलिस ऑफिसर हैं प्रेजेंट, पेट्रोल कार, ब्लू कोल्ड, SHO, DCP साहब,
उसको उनको तुरंत बताएं और हम लोग सब फौरन कार्रवाई उसके लिए करेंगे। ऐसे मौके पे सबसे पहले तो मैं आज यहाँ सलारजंग म्यूज़ियम में जो बुज़ुर्ग लोग आए सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सभी ऑफिसर की तरफ से हैदराबाद की आवाम को ये तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि मिलादुल नबी अल शरीफ के दिन हम लोग सब आपके खुशी में शरीक हैं। हमारी सब मेहनत, सभी इंतज़ामात आपकी कंफर्ट, आपके आराम के लिए है। हम लोग मिलकर इसको मनाएं, इस तरीके से रखें जिसमें कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट हो। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि उस दिन किसी बच्चों को किसी तरीके का चोट न लगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा सर,